गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी का भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर आप डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। यह हमारे भारत एजुकेशन सर्कल का यूट्यूब चैनल है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत धारा हम लोग किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी तार से जब हमारा आवेश प्रवाह करता है और उसके प्रवाह करने की दर यानी पर यूनिट टाइम कितना आवेश उस तार से बाहर निकला है, उसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी तार से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी तार से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी तार से आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा वायर है, एक सिंपल सा तार है, ये कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं इससे जो आवेश जा रहा है उस आवेश का मान है Q, और कितना समय है लगा? T टाइम लग गया। तब जो हमारा धारा का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा I इक्वल टू Q बाई T। I इक्वल टू क्या बन जाएगा? Q बाई T। इसे कहा जाता है आवेशों के प्रवाह की दर। यानी हमारा फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू Q बाई T। I इक्वल टू Q बाई T। हम लोगों ने कुछ अध्याय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश का जो कुल मान होता है वह n इंटू ई के बराबर होता है। आवेश का कुल मान किसके बराबर होता है? n इंटू ई के बराबर होता है। तो उस स्थिति में जो हमारा I का फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा Q बाई T या इक्वल टू एन ई बटे टी। एन ई बटे कितना? टी। एन ई बटे टी। तो हमारा फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू क्यू बाई टी या एन ई बटे टी। इस स्थिति में यदि आपके पास आवेश का मान दिया है और टाइम दिया है तो आप विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं। यदि हमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पहले से पता होता है, और यदि समय दिया जाए तब भी हम लोग विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं। मान लो इस प्रश्न में हमें एम्पियर में करेंट दिया जाए यानी विद्युत धारा का मान दिया जाए, समय दिया जाए, तब आप आवेश निकाल सकते हो। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आवेश का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो जाएगा आई इंटू टी, या आप चाहो तो एन का मान निकाल सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। इससे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कर सकते हो। यानी आप इससे क्या निकालोगे? इससे निकालोगे आवेश की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला हमारे लिए बनाया गया है I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ध्यान से देखो तो हम लोग Q को नापते हैं कूलम में और समय को नापते हैं सेकेंड में। कूलम पर सेकेंड को साइंटिस्ट इसे एम्पियर के नाम से कहते हैं, एम्पियर, और इसे डिनोट करेंगे कैपिटल A से। तो आवेश विद्युत धारा का SI मात्रक हो गया एम्पियर, जिसे हम लोग
कूलम पर सेकेंड कहते हैं। ये रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है बहुत ही सिंपल। यदि किसी तार से 2 कूलम का आवेश, 2 कूलम आवेश 5 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो धारा का मान ज्ञात करें, धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान ज्ञात करें। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रश्न है, इसका आप आंसर करें। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें आवेश दे दिया है 2 कूलम और समय दिया है कितना, 5 सेकेंड, और हमसे धारा का मान पूछा है। तो धारा का फॉर्मूला होता है Q/T, क्यू के जगह हम लोग 2 कूलम और टाइम के जगह 5, जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 0.4 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक कितना हो जाए, एम्पियर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, एक एम्पियर धारा से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था n = IT/Q। अब यहां पे फ्रेंड्स देखिए कि हमें I का मान तो हो गया 1 कूलम, I का मान हो गया 1, Q के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे, I के जगह हो गया 1, समय हमें लेना पड़ेगा 1 सेकेंड, क्योंकि 1 एम्पियर के लिए जो समय लगता है वो 1 सेकेंड होता है, अपॉन आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की संख्या हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n का जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम से जो आवेश इलेक्ट्रॉन जो पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, उसकी वैल्यू होता है 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी तार से 5 एम्पियर की धारा 2 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो तो आवेश का मान ज्ञात करें, ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए आवेश का फॉर्मूला बनाया गया है वो फॉर्मूला है I × T। I का मान कितना हो गया 5, समय कितना है
दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया 10 कूलम। कितना आंसर हो गया 10 कूलम। ओके 10 कूलम। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग कवर करते हैं कि प्रतिरोध किसे कहा जाता है। प्रतिरोध किसे कहा जाता है? प्रतिरोध इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का सिंपल मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि धारा के प्रवाह को रोकना, यानी जिस तरह से यानी जिस कारक से धारा के प्रवाह को रोका जाता है उस कारक को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। किसी तार से धारा के प्रवाह के अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास धारा है, ये तार है और इससे हमारे पास कोई एक धारा प्रवाहित हो रहा है R, तब हम लोग प्रतिरोध को सूचित किया जाता है R द्वारा। इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है R द्वारा। प्रतिरोध को R द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को R द्वारा दर्शाया जाता है। अब इस प्रतिरोध का संकेत होता है। संकेत किस प्रकार से? संकेत प्रतिरोध का संकेत होता है स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से। देखिए ये रहा प्रतिरोध का संकेत। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग बात करें प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। क्या होगा? ओम। इसे संकेत में हम लोग ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा द्वारा, जैसे R इक्वल टू 5 ओम, यानी एक तार है और उसका प्रतिरोध हम लोगों ने कितना लिया है? 5 ओम लिया है। एक R है, एक तार है और उसका प्रतिरोध हम लोगों ने कितना माना है? 5 ओम। कितना माना है? 5 ओम। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रतिरोध होता है किसी तार का वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, यानी किसी वायर का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से बात है? तो प्रतिरोध के कारक। क्या लिखते हैं? प्रतिरोध के कारक। कौन कौन से कारक है? तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे तार के लंबाई पर, दूसरा तार के अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तीसरा उस तार के मटेरियल पर, तार के मटेरियल पर, चौथा तार के तापमान पर। तार के तापमान पर। अब स्टूडेंट्स हम लोग कवर करते हैं आगे कि प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम है क्या? इसमें स्टूडेंट देखिए
उस वायर का जो प्रतिरोध होगा वो समानुपाती होता है उस तार के लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। जब आप इन दोनों समीकरण को कंबाइन करोगे आर प्रोपोर्शनल समानुपाती एल बाई ए, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो हमें एक कॉन्स्टेंट जोड़ना होता है जिसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं रो एल अपॉन ए। तो हमारे लिए स्टूडेंट देखिए प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो गया आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहां पे ये जो रो है इस रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। क्या कहा जाता है सुन देखे रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग यहां से रो निकालना चाहे तो रो का फॉर्मूला जाएगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। यदि तार की लंबाई, यदि आप तार की लंबाई 1 मीटर ले लो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तब जो हमारा रो होगा वो किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा। तो किसी तार का जो प्रतिरोधकता होता है उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है यदि आप तार की लंबाई 1 मीटर लो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लो 1 मीटर स्क्वायर। तो किसी तार की प्रतिरोधकता उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जब तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ओके अब देखिए फ्रेंड्स हमारे लिए फॉर्मूला बना रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यदि फ्रेंड्स इस रो का यानी प्रतिरोधकता का मात्रक निकाले तो इस प्रतिरोधकता का मात्रक होगा, मात्रक किसका रो का, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो रो का मात्रक हो गया ओम मीटर, कितना हो गया सुन देखिए ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओके चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे कवर करते हैं चालक, क्या कवर करते हैं चालक। कंडक्टेंस इसको हम लोग कहते हैं चालकत्व। किस प्रकार से परिभाषित किया गया देखे, तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है, आप फॉर्मूला हो गया 1/r। यदि आप स्टूडेंट्स इसकी मात्रक की बात करें तो जी का मात्रक हो गया 1/r दैट इज 1/ohm दैट इज ohm inverse। या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ओ एच एम, उस पर पावर लगाते हैं -1, इसको हम लोग नाम देंगे मो, क्या नाम देंगे मो, एम एच ओ मो।
चालकत्व का एसआई मात्रक हो गया मो। नेक्स्ट क्या ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट है चालकता, नेक्स्ट क्या है चालकता। चालकता यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, चालकता यानी कंडक्टिविटी। किस प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है सुन देखिए, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को चालकता कहा जाता है। इसे सूचित किया जाता है सिग्मा के द्वारा, फॉर्मूला हो गया 1/ρ। यदि आप स्टूडेंट्स 1/ρ लो तो 1/RA/L, तो ध्यान से देखोगे L ऊपर और R और A किधर हो गया नीचे। यदि आप स्टूडेंट्स इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक निकल के आ जाएगा 1/ohm meter, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे साइमन। क्या नाम देंगे? साइमन। इससे डिनोट करेंगे, ऐसे कहेंगे साइमन। क्या नाम देंगे? साइमन नाम देंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि प्रतिरोध जो है, किसी तार का प्रतिरोध वो तापमान पे भी निर्भर करता है। प्रतिरोध का तापमान के साथ संबंध, तापमान के साथ संबंध किस प्रकार से संबंध है देखिए। तार का प्रतिरोध समानुपाती होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन के, और समानुपाती होता है कि कितने समय के लिए यहाँ पे दो समीकरण बताया गया है। पहला समीकरण है कि किसी तार के प्रतिरोध का परिवर्तन समानुपाती होता है उसके 0 डिग्री पर तार के प्रतिरोध के, और समानुपाती होता है टेम्परेचर यानी तापमान के परिवर्तन के। यानी पहला लिखा हुआ है तापमान का परिवर्तन और दूसरा लिखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। जैसे स्टूडेंट्स दोनों का आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा R0 × Δt। हम लोग स्टूडेंट्स समानुपाती साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग नाम देंगे अल्फा। तो ये बन जाएगा R0 α × Δt, R0 α × Δt। इस अल्फा को हम लोग कहेंगे तार का प्रतिरोध गुणांक। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हमारे लिए फॉर्मूला निकल के आया Δr = R0 × α × Δt। आर नॉट को स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे R एट टेम्परेचर T माइनस का R एट
टेम्परेचर जीरो इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये माइनस साइन को उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी तापमान टी पे प्रतिरोध इक्वल टू जीरो पे प्रतिरोध प्लस जीरो पे प्रतिरोध अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर टी पे यानी तापमान टी पे तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे लिए आर नॉट का फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला, वो रो एल अपॉन ए के ही बराबर होता है। तो सारा वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए रो एट टेम्परेचर टी यानी रो का मान यानी प्रतिरोधकता का मान टेम्परेचर टी पे हो जाएगा रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो ये फॉर्मूला है प्रतिरोधकता के लिए, कि प्रतिरोधकता का मान टेम्परेचर टी पर कितना होगा। ओके, यदि हम लोग आर का अल्फा का गुणांक निकाले, अल्फा का मात्रक यानी प्रतिरोध के यानी तार के प्रतिरोध का गुणांक निकाले, तो इसके लिए हमारे लिए जो मात्रक निकल के आएगा वो मात्रक हो जाएगा ओम आर इक्वल टू, आर इक्वल टू लिख लेते हैं डेल्टा आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया ओम, ये हो गया ओम, अल्फा का निकालना है और डेल्टा टी का हो गया कितना, टेम्परेचर का होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो केल्विन। तो उस स्थिति में अल्फा यानी ओम से ओम कैंसिल हो गया, क्या जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्या जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, पर केल्विन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा अल्फा है यानी तार के प्रतिरोध गुणांक, उसका जो मात्रक निकल के आया वह है पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, पर केल्विन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप सभी लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।